हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस महा मैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे ज्वाइन आ सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो एग्जाम पास करना है बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, तो एजुकेशन वी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स आप लोग अंतिम दिनों में इसे परचेज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। और कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप लोग यहां से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी जी के रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2012 से 22 तक यानी कि 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप लोग लगा लेते हैं तो एग्जाम आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं, 527 पेज की ये पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत ही आसान तरीका है परचेज करने का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज जरूर कर लेना। ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जीके प्रैक्टिस सेट हो गया, हिंदी प्रैक्टिस सेट हो गया, एंड यहाँ पे मैराथन क्लास हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया, एंड दिस इज माई सेकेंड यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है बीएड की छोटी छोटी टेस्ट की वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? बताएं सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? अगर हिस्ट्री वाली क्लास मेरी देखे होंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं पशुओं में किसकी पूजा करते थे, तो कुबड़ वाले शाण की पूजा करते थे, ठीक है, याद रखना। चलिए बहुत अच्छे, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? बौद्ध गीतों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, जैनियों द्वारा या सिखों द्वारा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो ये जो है किस धर्म के द्वारा जो है निर्मित किया गया था? जैनियों के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना। गीत गोविंद किसकी कृति है? बताइए सब लोग, गीत गोविंद किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो गीत गोविंद है जयदेव की, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब दीजिए, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग ऐसे ही आंसर दिया करें। बाकी क्लासेस आप सभी लोगों को पता है कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। और जितनी भी मैराथन क्लास हो, एक भी मैराथन क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, एक एक क्लास को देखना है आपको, जितनी भी मैराथन अब हो, ठीक है। तो शिवाजी का जो राज्यभिषेक हुआ था, ये हुआ था, नोट कर लेना, 1674 में। कब हुआ था? 1674 में हुआ था, ठीक है। चलिए, अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन सिख गुरु थे? बताइए सभी लोग, 5 को जवाब दीजिए, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु नानक? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एग्जाम पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? भाई वो थे गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है। ये सिख धर्म के जो है छठे गुरु थे, छठे, ठीक है। आप लोगों से प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना की किसने किए थे और अंतिम गुरु कौन थे, बताइए सब लोग। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु
नानक देव, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम गुरु बताएं, अंतिम गुरु बताइए भाई कौन थे, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, सिक्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा, ठीक है ना, सिक्स का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1498 में जो है ये वास्को डी गामा जो है कालीकट तट पर पहुंचा था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी, बंबई में, सूरत में, यसरतानाती में या मद्रास में। सेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे, गोली की रफ्तार से जवाब दिया करें, सूरत, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, लखनऊ से संबंधित रही हैं ये। ठीक है, चलिए नाइन का जवाब दीजिए सभी लोग, गांधी जी के द्वारा क्रियावंतित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। गांधी जी के द्वारा क्रियावंतित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है, तो वो स्थल है चंपारण। ठीक है, नाइन का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, आज की इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। ठीक है, चलिए समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था बताइए भाई, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, टेन का जवाब देने के प्रयास करेंगे, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आज की क्लास में मैं। तो समाचार पत्र केसरी का जो संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने जो है कहां से की थी, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम से किए थे, ठीक है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का, ये सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, सौरमंडल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, हमारे सौरमंडल का जो ग्रह है, जो आकार में अगर हम बात करें जो पृथ्वी के समान है, तो वो है आपका शुक्र, 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, टुंड्रा है एक क्या, पर्णपाती वन है या शीत मरुस्थल है या उष्णकटिबंधीय वन है या गर्म मरुस्थल है बताइए, टुंड्रा क्या है एक, 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो नोट कर लेना अलग से। टुंड्रा एक क्या है, शीत मरुस्थल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टुंड्रा एक शीत मरुस्थल होता है, यह प्रदेश जो है सदैव बर्फ से ढका रहता है। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल या मध्य मंडल, उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, ठीक है, ये सब इसी में होते हैं, वायुयान उड़ते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ये सब हिंदी में नहीं पूछे जाते हैं, इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, स्पेलिंग नोट करना है तो नोट कर लेना, ट्रोपोस्फीयर, और समताप मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में बताइए, समताप मंडल को, समताप मंडल को स्टेटोस्फीयर, ये इंग्लिश में अब पूछे जाते हैं तो नोट कर लेना अलग से।
ठीक है ना, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है नोट कर लिए हो, होप करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइए सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भारत का। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत अच्छे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार है, ध्यान रखना। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी नदी है, ठीक है याद रखना। 16 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना चलिए बहुत अच्छे। पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ज़्यादा घबराइए मत, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग तैयारी आप लोग जारी रखें बस। तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छे। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड, बताइए भाई। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ह्यूमन कोड, क्या कहते हैं ह्यूमन कोड कहते हैं, वेरी गुड। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत अच्छे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चलिए 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहकारी कृषि हो जाएगा, ठीक है चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत अच्छे। रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं, कंटेंट आपके पास नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको डेली रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे डेली मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो यहां पे ये है पश्चिमी तट से, ये आपका तूतीकोरिन आपका संबंधित नहीं है, ठीक है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी में पड़ जाता है, ठीक है चलिए बहुत अच्छे। दिल्ली में सर्दियों के समय जो है वर्षा होती है किस मानसून में, 21 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताइए भाई सभी लोग, सामूहिक जो है उपभोग का अर्थ क्या है, घरेलू खपत, ठीक है 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छे। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, सभी लोग 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, NNP यानी कि साधन लागत पर के नाम से जाना जाता है। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, 24 का जवाब दीजिए, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क या कंपनी कर, 24 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारत में राज्यों के लिए राजस्व का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आपका बिक्री कर, 24 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, 2022 में कर चुका है, ठीक है चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण बताइए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे।
26 का जवाब दीजिए सभी लोग। और चैनल को जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी, जैसे एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। होता यह है कि बहुत सारे बच्चों का अच्छा नंबर आ जाता है, फिर बोलेंगी कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, तो गलती आप लोग करते हैं ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अंतिम तक आपको मदद मिलेगी। एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़िए उसी से जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, देखिए कि विश्वास के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे टेट सीटेट भी आपका मैं क्लियर करवाऊँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण इसमें चेक है, क्या है चेक, 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो वो थी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो 27 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी और पांचवी और 12वीं और 10वीं, इन सभी का जो है काल याद रखिए, अवधि काल याद रखिए, कौन किस मॉडल पर आधारित थी ये याद रखिए, ठीक है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना है तो इसका जो अवधि काल है 1951 से 1956 है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से जो है 1961 तक है, ठीक है। और तीसरी का 1961 से 66 और पांचवी का जो है 1974 से 78 है। और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी मोहन लोबिस मॉडल पर आधारित थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है 2012 से 17, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं पूछा जा रहा है, पूर्णतः बनकर तैयार कब हुआ था ये आपको बताना है। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी दिन बनकर तैयार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है और आज कौन सा दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक एक पेड़ जरूर लगाइएगा। बताइए भाई सब लोग, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, 29 का जवाब दीजिए, भारत की जनता, 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या अवशिष्ट विषय से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो शिक्षा ये जो है समवर्ती सूची से संबंधित है, 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, मज़ा आ गया आज की क्लास में, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। चलिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, बताइए भाई वो कौन सा अनुच्छेद है। बहुत अच्छे, सभी बच्चे 31 का जवाब देने के प्रयास करेंगे, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, ओके 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है, बताइए वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। 32 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है, तो ये है वैधानिक अधिकार, ठीक है, 32 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देश के सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं क्या, 33 का जवाब दीजिए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, 33 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है,
कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, बताइए भाई 35 को जवाब दीजिए, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या, 35 का राइट आंसर दीजिए, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या, शक्ति पुंजों से तटस्थता, 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो भारत याद रखना राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है क्या, यानी कि WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, 37 का जवाब दीजिए सब लोग, तो WTO का जो मुख्य उद्देश्य है नोट कर लेना, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की संपत्ति, ठीक है, समाप्ति। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है तो इस बार भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। कौन सा वो पुरस्कार है जो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, तो वो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, 38 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा आरंभ हुआ था, यह आरंभ हुआ था स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, 40 का जवाब देने के प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है सैयद माउंट गोमेरी के द्वारा, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दो भाई, बहुत ही कम लोग हैं आज, फटाफट शेयर करो और लाइक करो, जितने लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो सभी लोग, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। लाइक का कोई भी पैसा नहीं मिलता, बस थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलता है बस। चलिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डॉट डॉट में स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया, तो बताइए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, 41 का जवाब दीजिए, बताइए भाई, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की द्वीप समूह में, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है, बताइए भाई कौन कौन देश शामिल है, शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न तो आना फिक्स है आपके एग्जाम में, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे सार्क हो गया, नाटो हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, UNO हो गया, ठीक है, इन सभी के मुख्यालय, स्थापना वर्ष, कितने सदस्य देश हैं, लास्ट वाला कौन सा सदस्य है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पिछली बार सार्क का पूछा गया था कि कौन सा इसमें सदस्य देश नहीं है, तो 8 सदस्य देश हैं, तो 8 में जो एक नहीं था वही पूछ लिया गया था। 42 का आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो है संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में देश शामिल हैं, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो है पारशेक। ओके चलिए बहुत अच्छे, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है भाई, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, 44 का जवाब देने के प्रयास करेंगे, विटामिन बी का रासायनिक नाम, पायरेडॉक्सिन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, और विटामिन बी का एक और अन्य रासायनिक नाम है थायमिन, यह भी याद रखना है। तो गति के नियम का जो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, 45 को जवाब दीजिए, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था,
न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, फेरल ने, कॉपरनिकस ने, न्यूटन ने किया था। वेरी गुड। चलिए डीटीपी का फुल फॉर्म बताइए, फटाफट बताइए डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म नोट कर लेना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए वेरी गुड। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो ये मिलकर करता है किसके साथ? मेरु रज्जु के साथ करता है, ठीक है। चलिए रंग वर्णदंता किस प्रकार का रोग है? ये एक अनुवंशिक रोग है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चीनी यात्री वाहन किसके शासन के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था ये, ठीक है। वेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, यहाँ पे फटाफट आंसर करेंगे। अभिसरण में, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा, विलोम शब्द ही पूछा है। चलिए अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है बताइए सब लोग। अभिसरण का भाई विलोम क्या होगा? अपसरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सुषुप्त का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ होगा या मृत होगा, जागृत होगा या कृतघ्न होगा? 52 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुषुप्त का जो विलोम शब्द होगा जागृत होगा, क्या होगा? जागृत। वेरी गुड। चलिए सही वाक्य चुनना है आपको इसमें। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वाध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसमें सही वाक्य ये वाला है, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा सही वाक्य है। इस तरीके के दो प्रश्न ही है इस क्लास में, 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपकी शंकाओं का निराकरण होना हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो इसमें आपका ये वाला शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए वाक्यांशों के लिए शब्द बताना है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गोली की रफ्तार से जवाब देंगे सभी लोग। दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? दिगंबर होगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है, दिग धन अंबर, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, युयुत्सु, मौक्तिक या बहुश्रुत। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युयुत्सु हो जाएगा, ठीक है। चलिए आमलक का तद्भव रूप क्या है भाई? आंवलक का। आमलक का तद्भव शब्द क्या है? आमलक का तद्भव शब्द क्या है? आंवला हो जाएगा, ठीक है। आम्र का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तिनका का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तिनका का तत्सम शब्द बताइए फटाफट, गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए। तृण हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिए हैं, 99% जवाब यही आया, तृण। चलिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 59 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। प्राविशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी में संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक या गुणवाचक? गुणवाचक का हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है, मंदिर का पर्यायवाची है कौन सा? इसमें मंदिर का पर्यायवाची बताइए कौन सा है, बताइए भाई मंदिर का पर्यायवाची कौन सा? इसमें देवग्रह है, क्या है? देवग्रह। तृष्णा का पर्यायवाची बताइए, तृष्णा का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तृष्णा का पर्यायवाची है लिप्सा, क्या है? लिप्सा। वेरी गुड। राजपुत्र में कौन सा समास है भाई? राजपुत्र में कौन सा समास है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास। ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में आ जाए तो। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित धन आनंद हो जाएगा। 64 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है विभत्स रस का, ठीक है, विभत्स। चलिए बहुत अच्छे। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है?
सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है, 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना बोल भी सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें नहीं है कन्नड़, ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बताइए भाई, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है चारों में से, भौगोलिक, ये वाला बिल्कुल शुद्ध शब्द है, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। प्रफुल्लित, ये वाला बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, जैसे यहाँ पे क्या आएगा बताइए सब लोग। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या भी जगाता है, विवेक भी जगाता है या आत्मविश्वास भी जगाता है या परिश्रम भी जगाता है या आत्मबल भी जगाता है। 70 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। तो यह आत्मविश्वास भी जगाता है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। बीड़ा उठाना से ताप्त रहे क्या, बीड़ा उठाना से ताप्त रहे क्या, तो बीड़ा उठाना से ताप्त रहे क्या बताइए सब लोग, फटाफट आंसर देंगे, दृढ़ संकल्प करना होता है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मनोज का पीसीएम में जो है, पीसीएस में जो है चयन हो गया है तो समझो उसने गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत लेना का अर्थ क्या है। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है, कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है, यही होता है, चलिए बहुत अच्छे। ये कौन से व्यंजन है आपको बताना है, ये कौन से व्यंजन है, सारे ये सारे के सारे आपके जो हैं पंचमाक्षर हैं तो अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या रा ला व, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है, का वर्ग से किस वर्ग तक होते हैं, पा वर्ग तक, ठीक है। चलिए, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, 74 को जवाब दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीनों सा होता है भाई, तीनों शा होता है और हा, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक है आपका, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है बताइए, कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें, तो वो है आज कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, इसमें अशुद्ध वाक्य को, अशुद्ध वाक्य ये वाला है, बाकी सब आपके शुद्ध वाक्य हैं, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, इसमें मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, फटाफट 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसमें देखिए मिश्र वाक्य जो है आपका, वो है आपका ये वाला, जो विद्यार्थी परिश्रम नहीं है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसलिए कह रहा हूँ कि परिश्रम आप लोग करते रहें, निश्चित ही आप लोग सफल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, 78 का जवाब दें कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ये नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, गर्भशून्य शब्द में समास बताना है, गर्भशून्य शब्द में समास कौन सा है, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सब्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है, सब्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है, फटाफट आंसर करेंगे। शब्द बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है, लालच देकर बहकाना होता है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है बताइए भाई, कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। पंचानन में कौन सा समास है भाई, फटाफट आंसर करें, पंचानन में कौन सा समास है, फटाफट आंसर करिए, 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं, 18 प्रश्न,
सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। पंचानन में कौन सा समास है भाई? तो पंचानन में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। 82 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3-13 करना का अर्थ क्या होता है? 3-13 करना का अर्थ क्या होता है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना या पूरी तरह फट जाना। तो 3-13 करना का जो अर्थ होता है वो होता है पृथकता की बात करना। 83 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? यहाँ पे थोड़ा मात्राएं नहीं लगी हैं तो उसके लिए सॉरी, असंगत बातें करना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका अर्थ असंगत बातें करना। चलिए, बहुत अच्छे। दिव्यर्पण का छंद विच्छेद क्या होगा भाई? देवर्पण का छंद विच्छेद क्या होगा? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देवर्पण का छंद विच्छेद होगा देवी धन अर्पण होगा। क्या होगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए फटाफट। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताना है। ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। देखिए, इसमें प्रिंटिंग फिर मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे प्यारी में होना चाहिए रेखांकित शब्द, तो गुणवाचक संज्ञा तभी आपका होगा, ठीक है। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए भाई? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, 88 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्या? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। चलिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं साधिक सकर्मक धातु, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रशकान की है। 91 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? अली का। 92 को जवाब दीजिए। फटाफट आंसर करें। तो इसमें आपका रूपसी नहीं है, बाकी सब हैं आपके, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। ये इनका उच्चारण स्थान बताइए किससे होगा? ये उच्चारण स्थान से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो ता वर्ग की अगर हम बात करें तो इनका उच्चारण स्थान दंत से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम का वर्ग की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से हो जाता है, ठीक है, कंठ से। चा वर्ग की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तालब्य से। टा वर्ग की बात करें तो मूर्धन से होता है, ठीक है, मूर्धन से। अगर हम पा वर्ग की बात करें तो उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, तो नोट कर लेना। ये सब उच्चारण स्थान से प्रश्न आते हैं, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो वो है नदी, बाकी सबका होता है, ठीक है। चलिए, सप्तधन ऋषि इससे बनी संधि है। सप्तर्षि में संधि बताना है आपको, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको लिखा जाएगा बताइए? तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को, डीएम को, ठीक है। चलिए, ठेले पर हिमालय की सुविधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा व्रत। 97 का जवाब दीजिए। ये धर्मवीर भारती की है रचित निबंध। तो ठेले पर हिमालय 97 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निबंध है एक, ठीक है। चलिए, धर्मवीर भारती जी के। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है बताइए सभी लोग? इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है?
रैदास जी नहीं है इसमें, ठीक है। किस वाक्य में अपादान कारक है जिसमें अलगाव की बात हो, से लगा हो, उसमें आपका अपादान कारक होता है हिमालय से गंगा निकलती है, अलग हो रही ना, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? आंगन इसमें आपका अशुद्ध है, ऐसे होता है आंगन, देखिए नोट कर लेना, अगर एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब शुद्ध हैं आपके, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की महामैराथन क्लास, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, इंस्टा पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दिया हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास 1:30 वाली में, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक भी जरूर देना, ठीक है, और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये भी आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।